जी हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मालदीव टूर की। इस वीडियो में हम आपको मालदीव टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले, जैसे मालदीव कब जाए, कैसे जाए, कितने दिन रुके, मालदीव में कौन से आइलैंड पर घूमने जाए, मालदीव में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और मालदीव घूमने में कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में मालदीव टूर से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मालदीव जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों, मालदीव जाने का बेस्ट टाइम नवंबर से लेकर मई तक माना जाता है और मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी इसी टाइम में आते हैं। बाकी अगर आप मानसून के मौसम में मालदीव जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। उस टाइम में आपको मालदीव घूमने में खर्चा थोड़ा कम आएगा, क्योंकि मानसून के मौसम में टूरिस्ट कम जाते हैं, इसलिए होटल वगैरह आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मालदीव कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, मालदीव जाने के दो तरीके, एक फ्लाइट और दूसरा क्रूज। अगर आप फ्लाइट से मालदीव जाना चाहते हैं तो आपको इंडिया के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप मालदीव के लिए फ्लाइट 20 से 25 दिन पहले बुक करते हैं तो आपको मालदीव जाने आने की टिकट लगभग 20,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। बाकी अगर आप एडवांस पे टिकट बुक नहीं करते तो आपको टिकट थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। बाकी दोस्तों, मालदीव जाने के लिए आपके पास में पासपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीजा आपको मालदीव के एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आपको वीजा एडवांस में लेने की जरूरत नहीं है, वीजा आपको मालदीव के एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। और मालदीव के टूरिस्ट वीजा से आप 30 दिन तक मालदीव में घूम सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप क्रूज से मालदीव जाना चाहते हैं तो आपको मुंबई, कोची और चेन्नई वगैरह के पोर्ट से मालदीव के लिए क्रूज भी मिल जाएगा। क्रूज से मालदीव जाने का स्टार्टिंग प्राइस 10,000 रुपए के आसपास में होता है। बाकी अलग अलग कोर्स के हिसाब से ये अलग अलग प्राइस होती है। और क्रूज से आपको मालदीव जाने में 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। क्रूज आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन क्रूज से जाने का भी अपना एक अलग ही मजा है। तो आपके लिए जो भी ऑप्शन सही हो उसके जरिए आप मालदीव जा सकते हैं। आपको फ्लाइट से जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, अगर आपको क्रूज से जाना है तो आप क्रूज से भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मालदीव में आप कौन से आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि मालदीव कई सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मालदीव के सबसे फेमस आइलैंड के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं और जिन आइलैंड पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगे इस वीडियो में 4 दिन का टूर प्लान बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मालदीव में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर कैसे जाओगे। तो दोस्तों, मालदीव में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में होता है पब्लिक फेरी का। पब्लिक फेरी आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। आप 400 से 500 रुपए में पब्लिक फेरी से बड़ी आसानी से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं। जैसे इंडिया में बसें चलती है, वैसे ही मालदीव में पब्लिक फेरी चलती है। और जैसे आपको बस पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ठीक वैसे ही पब्लिक फेरी पकड़ने के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब पब्लिक फेरी का टाइम होगा उसी टाइम पर पब्लिक फेरी चलेगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है स्पीड बोट का। स्पीड बोट आपको पब्लिक फेरी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन स्पीड बोट को आप टैक्सी की तरह तुरंत बुक कर सकते हैं और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट सी प्लेन का। ये ऑप्शन तो बहुत ही जबरदस्त है, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट सी प्लेन आपको स्पीड बोट के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके बजट में जो भी बेस्ट हो उसके जरिए आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पीड बोट टाइम सेविंग होता है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मालदीव में कौन से आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, मालदीव में आप डे 1 में घूमने जा सकते हैं माफूसी आइलैंड के लिए। ये आइलैंड मालदीव का सबसे खूबसूरत आइलैंड है,
और मालदीव में आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इस आइलैंड पर जरूर आते हैं। इस आइलैंड पर आप कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, जैसे वेकबोर्ड, फ्लाई बोर्डिंग, फन क्यूबिंग, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी और भी कई सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटी के अलग अलग चार्ज होते हैं, आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगे आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत बीच है, तो आप वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी टूरिस्ट प्लेस है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। ओवरऑल दोस्तों, आप इस आइलैंड पर 2 दिन रुक सकते हैं और पूरे आइलैंड को विजिट कर सकते हैं। आप 2 दिन यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। और ये आइलैंड घूमने के बाद आप जा सकते हैं हुल हुमले आइलैंड के लिए। दोस्तों, ये आइलैंड भी मालदीव का बहुत ही खूबसूरत और शानदार आइलैंड है, और मालदीव में आने वाले सभी टूरिस्ट इस आइलैंड पर भी जरूर आते हैं। और ये आइलैंड मोस्टली कपल और हनीमून के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, आप 2 दिन इस आइलैंड पर रुक सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो 1 दिन इस आइलैंड पर रुक सकते हैं और 1 दिन किसी और आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इन दोनों आइलैंड का टूर कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। और दोस्तों, मालदीव में आने वाले 70-80% टूरिस्ट इन दोनों आइलैंड का टूर करना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मालदीव में ये दोनों आइलैंड विजिट करने के बाद आप वापस इंडिया के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मालदीव में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, मालदीव में आप 2 तरीके से रुक सकते हैं। पहला कि आप मालदीव में रुकने के लिए होटल बुक कर सकते हैं। हमने आपको जो भी आइलैंड बताए उन दोनों आइलैंड पर आपको होटल 1 नाइट के लिए 4,000-5,000 रुपए में मिल जाएगी। होटल के 1 रूम में आप 2 लोग आराम से रुक सकते हैं। और मालदीव में रुकने का दूसरा ऑप्शन है रिसोर्ट का। अगर आप रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो रिसोर्ट में भी रुक सकते हैं। रिसोर्ट में रुकने के कई अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप रिसोर्ट में होटल जैसे रूम बुक करना चाहते हैं तो उसका 1 दिन का 5,000-10,000 रुपए मिनिमम लिया जाता है। और दोस्तों, अगर आप पानी के ऊपर बने होटल में रुकना चाहते हैं, जिसे ओवर वाटर विलास कहा जाता है, तो उसका 1 दिन का 20,000-25,000 रुपए के आसपास में लिया जाता है। और दोस्तों, आप शायद तो इससे कॉस्टली के रिसोर्ट भी बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 50,000-60,000 रुपए तक भी होती है। तो दोस्तों, आपका जैसा भी बजट हो उसके हिसाब से आप अपने लिए रिसोर्ट या फिर होटल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मालदीव में आपको नॉन वेज और वेज दोनों तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका मालदीव घूमने में खर्चा कितना आ सकता है। तो मालदीव घूमने का आपका 3 तरीके का बजट बन सकता है, एक लो बजट, एक मीडियम बजट और तीसरा हाई बजट। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मालदीव में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने जाओगे। तो दोस्तों, मालदीव का लो बजट कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आपका होटल का खर्चा 1 दिन का 4,000 रुपए आएगा, यानी कि 4 दिन का लगभग 16,000 रुपए। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 2 लोगों का 5,000 रुपए तक आ सकता है। अगर आप पब्लिक फेरी का इस्तेमाल करते हैं तो, अगर आप स्पीड बोट वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपका 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 4 दिन का 15,000 रुपए के आसपास में आ सकता है। इसके बाद आपका एक्टिविटी का खर्चा 2 लोगों का 20,000 रुपए तक आ सकता है। आप चाहे तो एक्टिविटी में थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं और कुछ को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम टोटल लो बजट की बात करें तो आप 55,000-60,000 के बजट में 2 लोग मालदीव का टूर कर सकते हैं, यानी कि 1 व्यक्ति पर लगभग 30,000 रुपए का खर्चा आएगा। बाकी आप आने जाने का खर्चा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वही दोस्तों, मीडियम बजट में आप रिसोर्ट में रुकोगे और ट्रांसपोर्टेशन में स्पीड बोट वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो मीडियम बजट में आपका खर्चा 2 लोगों का 80,000-90,000 रुपए तक आ सकता है। वही दोस्तों, हाई बजट में आप महंगे से महंगे रिसोर्ट में रुकोगे तो उसका खर्चा आपका अनलिमिटेड होगा, तो हाई बजट में आपका खर्चा 2.5-3 लाख रुपए तक भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग मालदीव टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।